जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? आप देख रहे हैं श्रीकांत ब्लॉग एंड मैं हूं श्रीकांत। तो शुरू करते हैं इसके लुक्स से। लुक्स के बारे में तो काफ़ी सारा यूट्यूबर काफ़ी सारा वीडियो दे चुके हैं, आप देख चुके हैं, तो मैं शॉर्टली बता देता हूं। मुझे हिमालयन बहुत पसंद था, पिछले दो साल से मैं ख़रीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिमालय का कुछ कमियाँ भी थी। उसका जो स्टांस था वो थोड़ा ऊँचा था, तो स्क्राम में ये चीज़ बेटर है। स्क्राम थोड़ा स्लिम लगता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट लगता है हिमालयन से। इसमें आपको 411 सीसी का SOHC सिंगल सिलेंडर एयर कोल्ड इंजन मिलता है, जो अराउंड 25 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है, जो टॉर्क के लो एंड में वो काफ़ी अच्छा है। तो गाड़ी मुझे ऑन रोड 2,70,000 का पड़ा। इसमें 2,09,000 के आसपास इसका ऑन रोड एक शोरूम प्राइस था। उसके बाद इसमें RTO चार्जेस, रोड टैक्सेस वगैरह लग के 5 ईयर्स वारंटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और रोड साइड असिस्टेंट, ये सब मिला के और कुछ एसेसरीज मिला के ये मुझे ऑन रोड लगभग 2,70,000 रुपये का पड़ा। तो एसेसरीज में मैंने इसमें ये मास्टर सिलेंडर गार्ड लगाया है ओरिजिनल, और इसके अलावा मैंने इसमें लगाया है ये रेडिएटर ग्रिल जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है। ये बास प्लेट कंपनी फिटेड एसेसरीज पहले से लगा हुआ रहता है। हाँ, ये लेग गार्ड कॉम्पैक्ट वाला इंजन गार्ड मैंने लगाया, इससे बड़ा वाला मैंने चूज किया था लेकिन वो स्टॉक में नहीं था। बाकी ये फोर्क गेटर पहले से लगा हुआ है, ये सब चीज़ें पहले से था। ट्रिप और नेविगेशन मैंने चूज नहीं किया, वो फिलहाल हमारे घर के पास वाला शोरूम में आउट ऑफ स्टॉक था, लेकिन मैं फ्यूचर में उसको लगाऊंगा। नकल गार्ड मुझे पसंद नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पसंद आया तो मैं कन्फ्यूज था, लगाया नहीं, बाद में लगा सकते हैं। इसमें मेन स्टैंड नहीं आता, लेकिन मेन स्टैंड एज एन एसेसरी आप ऐड कर सकते हो, वो भी मैंने ऐड नहीं किया। तो इस गाड़ी का प्रोज के बारे में बात करें, सबसे पहला प्रोज तो है इसका राइडेबिलिटी। ये किसी भी जगह पे आप ले जाओ इसको, कोई भी रोड कंडीशन में चलाओ, गाड़ी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। चाहे आप सिटी कम्यूट कर रहे हो, चाहे आप ऑफ रोड कर रहे हो या हाईवे पे हो, ये गाड़ी सब कंडीशन के लिए बना है। दूसरा खास बात इसका यह है कि ये बहुत अच्छा माइलेज रिटर्न करता है। 411 सीसी का होने के बावजूद भी इस गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा है। ये 15 लीटर का टैंक के कैपेसिटी के साथ आता है और मेरा गाड़ी अराउंड 33-35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, तो इस हिसाब से एक फुल टैंक में मुझे लगभग 500 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। उसके बाद इसमें 15 लीटर में से 3 लीटर जो है वो रिजर्व फ्यूल है, तो रिजर्व फ्यूल में आपका गाड़ी लगभग 90 से 100 किलोमीटर तक जा सकता है। वाह, गाड़ी का डुअल पर्पज टायर है, इसलिए ग्रिप भी रोड पे बहुत अच्छा बनता है। गाड़ी 185 किलो का है, तो गाड़ी का ग्रिप वेट के साथ साथ टायर के साथ साथ मिलके बहुत अच्छा ग्रिप देता है। गाड़ी कंट्रोल में रहता है रोड पे, आप कोई भी स्पीड में रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कहीं पे क्लिक करना हो, कहीं से आपको शार्प टर्न लेना हो या कुछ भी करना हो, गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल मैनर में चलती है और बहुत निम्बल फील होती है। तो जब आप इसके साइकिल पर बैठे हुए होते हो ना, तो स्विफ्ट अमेज होंडा सिटी जैसे कार ना आपको नीचे दिखते हैं, एकदम लगता है आप गाड़ी के ऊपर बैठे हो। जैसे कि बाइकों में, जैसे ये एक SUV है उस टाइप का है इसका, है तो ये बाइक लेकिन SUV वाला फील आपको देता है। आपको लगता है ऐसे कि आप ऊपर बैठ के चला रहे हो और छोटे हैचबैक और सेडान सारे आपसे आपका कंधे का नीचे हाइट का फील होता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अटेंशन ग्रैब करता है। कहीं पे ट्रैफिक पर जाओ या कुछ भी करो, बहुत अटेंशन ग्रैब करता है। और एक बात जो मुझे स्क्रैम 411 के बारे में बहुत अच्छा लगता है वो है उसका सीट, जो पिलियन और राइडर दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। काफ़ी स्पेस है इसमें, आराम से राइडर और पिलियन बैठ के लंबी दूरी तय कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। और साथ सीट हाइट लगभग 5 मिलीमीटर कम है हिमालयन से, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी उतना ही कम है, लेकिन उससे कोई इशू नहीं है। फ्रंट में आपको 19 इंच का टायर मिलता है, जो कि हिमालयन में आपको 21 इंच का मिलता है। बाकी रियर व्हील सेम है। हाँ, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इस हेडलाइट, जो हिमालयन में आपका हैंडल फ्रेम के साथ घूमता है। अगर आप कोई शार्प टर्न ले रहे हो तो लाइट टर्न नहीं करता, लाइट उसका साइड फ्रेम के साथ अटैच रहता था, तो उसे क्या होता था ना, आपको ब्लाइंड हो जाता था रोड पे टर्न लेते टाइम। वो चीज़ इसमें अच्छा हो गया, वो मुझे अच्छा लगा। इसमें ये हैंडल के साथ मूव करता है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं, इससे आपका राइडेबिलिटी थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। बाकी रियर में इसको हेडलाइट मिलता है LED का, और फ्रंट में इसको मिलता है हैलोजन का।
इसका सारा इंडिकेटर भी हैलोजन ही है। तो सबसे पहले मैंने स्क्रैम 411 क्यों चूज किया, तो मेरे को एक ऐसा गाड़ी चाहिए था जो मेरा डेली कम्युनिकेशन में काम आए और कभी कभी ऑफ रोडिंग भी कर ले और शहर से मेरा गांव रिटर्न आना जाना में भी हेल्प करे, जो कि अराउंड 150 से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 400 सीसी में मेरा पास 3-4 ऑप्शंस थे, जिसमें KTM 390 एडवेंचर था और 400 सीसी में और डोमिनार 400 था। तो ऐसे कुछ 400 सीसी का गाड़ी थे, 350 सीसी से ऊपर का ही गाड़ी मुझे लेना था और 650 इंटरसेप्टर 650 और कंटिनेंटल 650 मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि मेरा पिलियन को उसमें बैठने में बहुत अनकंफर्टेबल होता था, गाड़ी बहुत हीट करता था। उसका अलग खामियां है, किसी अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्क्रैम 411 लॉन्च हुआ, 1.5 साल से मैं उसका वीडियो देखता रहा, मुझे फिर दिमाग में कहीं ना कहीं फाइनल था कि स्क्रैम 411 लेना है। तो मैंने स्क्रैम 411 का एक टेस्ट राइड लिया, मेरे घर के पास एक शोरूम है, उसका नाम मैं बता दूंगा आपको, तृप्ति मोटर्स करके है, रॉयल एनफील्ड का, पात्रपड़ा भुवनेश्वर में, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे मैंने टेस्ट राइड लिया और पहले टेस्ट राइड में ही गाड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा, गाड़ी का टॉर्क बहुत अच्छा था, क्योंकि गाड़ी का वजन कम है और हिमालयन जितना सेम हॉर्स पावर है गाड़ी में, टॉर्क रेशियो इसमें, वेट टू पावर रेशियो इसमें बेटर था, तो गाड़ी काफ़ी टॉर्की फील हो रहा था, पलक झपते झपकते ही गाड़ी 80 पकड़ लेता है और बहुत स्मूथ था गाड़ी की रॉयल एनफील्ड का 80-90-100 के स्पीड में स्मूथ होना एक मिरेकल था। तो फाइनल हो चुका था 411 लेना, ऊपर से 411 का सीट बहुत मुझे कम्फर्टेबल लगा, मेरा दोनों कलर की अगर मैं इसके आपको दिखा देता हूँ, तो मेरा एक साइड का पैर पूरा ज़मीन पे लगा हुआ है और एक साइड का पैर हल्का ज़मीन को मेरा और हल्का सा उठा हुआ है, लेकिन जब मेरा पूरा पैर दोनों तरफ फर्मली सेट होता है, गाड़ी में से बैठने का पोजिशन पूरा ऑफ राइट है और जब मेरा प्लेन बैठते हैं तो गाड़ी थोड़ा दब जाता है, और कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी में और बहुत रिलैक्सिंग पोस्चर है, तो वो इस मामले में भी अच्छा था। साइलेंसर की आवाज़ मैं आपको सुना सकता हूँ, काफ़ी स्वीट नोट है, रोड पे बहुत अटेंशन ग्राफ करता है। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।